नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विंडोज पीसी डेस्कटॉप पर कुछ एसएसएल फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे डेस्कटॉप पर अभी देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ एसएसएल फोल्डर ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें पहला है ये बिना नाम का फोल्डर, और ये तीन हैं AUX, NUL एंड CUN नाम के फोल्डर, और ये दो हैं टेक, यानी दो फोल्डर एक ही नाम के फोल्डर। तो हम इन सारे फोल्डर्स को नॉर्मली ऐसे नहीं बना सकते। इन सारे फोल्डर्स को बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इन सारे फोल्डर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं सब सारे फोल्डर को दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, जिससे मैं आपको शुरुआत से बता सकूँ। ओके, इन सारे फोल्डर्स को बनाने के लिए राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। सबसे पहले बनाते हैं बिना नाम का फोल्डर। इन सभी फोल्डर्स को बनाने के लिए एक सिंपल सा कोड होता है, जो हम फोल्डर्स को नाम देने से पहले लगाते हैं, जो होता है Alt+255। इसके बाद हम इसे एंटर करते हैं और ये हमारा, देखते हैं आप, बिना नाम का फोल्डर बनकर तैयार हो गया। इसी के बाद दोबारा एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर। यहाँ पर दोबारा से वही कोड लगाते हैं Alt+255, और यहाँ पर हम देखते हैं इस बारी AUX और एंटर। ये देखिए, यहाँ पर AUX नाम का फोल्डर भी बनकर हो गया है तैयार। नेक्स्ट Alt+255, और यहाँ पर हम देखते हैं इस बारी CON एंड एंटर। देखिए, यहाँ पर बिना नाम का, AUX नाम का और CON नाम का फोल्डर बन चुका है। अब बनाते हैं एक ही नाम के दो फोल्डर। इसमें एक चीज ध्यान रहे, जब हम एक ही नाम का दो फोल्डर बनाने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें पहला फोल्डर बिना कोड के बनाना है, उसके बाद जब उसकी कॉपी बनानी है तब वहाँ पर हमें कोड लगाना है। जैसे पहला हमने फोल्डर बनाया टेक नाम का, ये नॉर्मली बिना किसी कोड को दबाए। अब इसकी हमें कॉपी बनाना है, तो हम यहाँ पर इस बार में हम कोड लगाएंगे, जो कि है Alt+255, और यहाँ पर क्या लिखना है, टेक और एंटर। इस तरीके से हम एक और फोल्डर बनाते हैं Alt+255 और NUL एंटर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सारे फोल्डर बन चुके हैं। इन सारे फोल्डर्स को बनाने के लिए सिंपल सा कोड मैंने आपको बताया Alt+255, और ये सारे फोल्डर्स उनका तैयार हो गए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मेरे लिए एक गोल्ड कॉइन के बराबर है। जय हिंद, वंदे मातरम।